नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। रवि रवि, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया अजी महाजन के संग। आज हम आपको लेकर आए हैं पीएस गार्डन, जो कि बहुत ही जाना माना पैलेस है, बहुत ही मशहूर है। और आज हम उनके ओनर से मिलवाते हैं पीएस गार्डन के, जो आपको बताएंगे कि दिवाली है वो क्यों मनानी चाहिए, किस तरह की मनानी चाहिए और कैसे मनानी चाहिए, उसके विषय में आज पूछते हैं। सत श्री अकाल पाजी। पाजी, दिवाली के बारे में भी बताइएगा, आपका पहले नाम क्या है वो बताइएगा, और ये जो आपका पीएस गार्डन है लोगों को जानकारी के लिए कौन सी लोकेशन पे पड़ता है वो बताइएगा। मेरा नाम जी जगतेश्वर सिंह बैंसल जी, मैं पी एस गार्डन तो बिलोंग करता जी। मैं काफ़ी बनाया जी, ये अमृतसर पठानकोट हाईवे नैशनल हाईवे से लाई करती है। साड़ी प्रॉपर्टी जी पिछले कई साल अप्रोक्सीमेटली 20 तो लैके 25 साल तो आप सर्विस सैक्टर के है जो इलाकर वास में वही अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं अभी अगर भी ये सर्विस वाली तरीके प्रोवाइड करा इलाकर वासियों सर। पी एस गार्डन ब्लॉक जरा जी सारों वही लॉन्ग स्पेशियस कैंप सारे को अवेलेबल है, हॉल भी सारी सारे को अवेलेबल है जी, पार्किंग पार्किंग अवेलेबल है सारे को ठीक है जी। ये आप बाकी सारे सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हैं बेस्ट सारे काम आप अगर भी आप इसको वही तरीके प्रोवाइड करा। तो दिवाली उत्ते मैं थोड़ा सारे इलाका निवासियों को बंदी छोड़ दिवस की बता देना चाहता हूँ। तो ये आप स्नेह भी देना चाहते हैं इलाका निवासियों को कि जी दिवाली है साड़ी वो असी वधिया तरीके मनाइए कि जी सा पोल्यूशन रहित हो गए प्लस साइड पोल्यूशन रहित हो गए कि आप बच्चे के जो जीवन जो किसी तरह की कोई मरीज ने उन्होंने किसी तरह की कोई प्रॉब्लम या मुश्किल है उन्होंने आप चीज़ मना सके, क्योंकि एक साडा दीवियां का या लाइटनिंग का त्यौहार है जिस तरीके आप वही तरीके सर्विस घर बैठे कर सकते हैं अपनी सैलरी। जिसमें कि पहले तो हम उनको थैंक यू बोलते हैं और थैंक यू के साथ साथ दिवाली बहुत बहुत मुबारकबाद कहते हैं। सर जी ने बहुत अच्छा बताया है कि दिवाली जो है मोमबत्ती और दिए जलाने से मनाई जाती है। पटाखे चलाएंगे, प्रदूषण होगा, बीमारी होती है, इससे बच्चों को भी जो है धुएं से रखना चाहिए। मोमबत्ती और दिए का प्रयोग जो है घरों में सजाना चाहिए, उससे दिवाली भी अच्छी लगती है, लाइटें जगानी चाहिए, मिठाई खानी चाहिए और सियाने बंदों का खासतौर से ध्यान रखना चाहिए। जैसे सर जी ने ये भी बताया है कि दिवाली मनाते हुए रेशमी कपड़े नहीं पहनने चाहिए, कार्टून के कपड़े पहनने चाहिए, उससे खतरा नहीं होता है। हम दिवाली की मुबारकबाद देते हैं फास्ट न्यूज इंडिया अजय महाजन।